ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣੀ ਆ ਮੰਗ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਭੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਭੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आपके खामिद कुछ नहीं करते? नहीं, मेरा खामिद ही बीमार है, देखो पीछे पड़ा। आपके घर दे विच कुछ खाने के लिए नहीं ते बच्चे मैं कैसे पढ़ाऊंगी? बच्चे बीमार भी होते होंगे तो फिर किस तरह अखराजात और दवाइयां वगैरह किस तरह आप सरवाइव करते? गोलियां दो ले आई दियां, पैलाडॉन बच्चों दे दे दियां, बुखार उतर जांदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आफिया। आफिया, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे माशाल्लाह चार ने, दो बेटियां बड़ियां, दो छोटे ने। तीन अच्छा, बेटियां अच्छा। ने एक बेटा है, बेटा बिल्कुल बहुत छोटा है। अच्छा, हाँ। तो वो भी आपके साथ इन झुग्गियों में रहते हैं? हाँ जी। पढ़ते नहीं है? नहीं। ठीक है, तो इतनी सर्दी का मौसम है, आपको पता है मौसम चेंज हो गया, तो इतनी सर्दी में आप लोग कैसे इन झुग्गियों में गुजारा कर रहे हैं? ये बिल्कुल बारीक सी ऊपर चादरें डाली हुई है, तो किस तरह आपका गुजारा हो रहा है? हमारा गुजारा इस तरह हो रहा है कि तुहाडे जैसियां बेटियां आ जांदियां ने, हमारे इंटरव्यू ले जातियां, किसी का दिल करे बेटी तो कुत्ते लिए बिस्तरा दे जांदियां, कोई खाने लिए दे जांदियां, तो किसी का दिल करे तो बेटा इंटरव्यू लेके आना तो मुकर जांदियां। बाद असी सालों साल ही उन्होंने उड़ीकते रहने कि मैनू यह धी कह के गई सी, मैं फलानी चीज़ अम्मा तेन देंगी, यह चीज़ देंगी, पुत्र नहीं आंदियां। अच्छा, तो आप लोग क्या काम करते हैं? अपना गुजर बसर जो घर का गुजारा है, कोई काम वाम करते हैं? बेटा मैं काम तो नहीं करती, मैं शुगर की मरीज है, आंखों से भी मैं ताज सी, मैनु 1.5 महीना हो गया मेरी आंख बनी नू। मियाँ मेरा बीमार है, तेरे अगे तिगल का कोई नहीं, हम पोरगम ते जानी है मांग के बच्चों का गुजारा कर लेनी। अच्छा, मतलब आप मांग के गुजारा? तो आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते, वो भी मांगते हैं? नहीं, वो बिल्कुल छोटे ने, दो छोटे ने बिल्कुल, दो बेटियां बड़ियां सी, उनकी शादी कर दीती है। ते कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं? इतने सानू पुत्र कोई हो ही गया ने, कोई 6-7 महीने हो गए ने आया नू, ते कोई साडा वक्त गुजारा नहीं हो रहा। सानू दा भी दिल करदा साडे बच्चे पढ़न, स्कूलां च जान, कोई अच्छी तरबियत सीखन, कि असी मंग के ते गुजारा कर लिया, हुण अपनी औलाद नू नहीं मंगा सकते। अच्छा, तो पहले पीछे से आपका शहर कौन सा है, कहाँ पे आप रहते थे? हम उकाड़े शहर के रहने वाले हैं। उकाड़ा शहर पहले रहते थे, लाहौर कब से रह रहे हैं? लाहौर च मेरी ती मैनू को 2 साल हो गए ने थे आई नू। 2 साल से आप लोग इस तरह झुग्गियों में एक ही जगह रह रहे हैं या मुख्तलिफ जगह पे? नहीं बेटा, इत्थे असी बैठे हैं, जिथे सुकून नाल असी बैठ गए, सानू सुकून दी जिंदगी नहीं जीन देंदे। कौन लोग नाल आंदे ने? कारपोरेशन वाले उठा के चले जांदे ने, साड़ियाँ झोंपड़ियाँ भन जाते, मंजियाँ भन जाते ने, फिर तुहाडे वर्गियाँ बेटियाँ आंदियाँ साड़ी मदद कर जाते, असी फिर झोंपड़ियाँ खड़ियाँ कर ले दियाँ। तो कारपोरेशन वाले लोग ये भी तो कहते हैं ना कि ये यहाँ पे 2 नंबर काम करते हैं, नशा देते हैं लोगों को, मतलब इस तरह की एक्टिविटी में ये मुलव्वस होते हैं, तो इसलिए भी वो? नहीं, ये नहीं हमें कहते, नशे नुशे दे बारे च कुछ भी नहीं कहते, ये कहते कि जिस इलाके दे अगे तुसी चले जाओ। बेटा नहीं, साडे इलाके च गुजारा हुंदा, असी लाहौर शहर वेख के मिर्गे तिगे इत्थे गुजारा करने, सानू इत्थे भी नहीं जीन दिंदे। तो इतनी सर्दी में छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? सर्दी नहीं लगती? बेटा सर्दी लगती है। तो खाना वाना कहाँ पे बनाते हैं? खाना यहाँ बनाते हैं, ये चूल्हे बने हुए हैं बाहर से, यहाँ ही खाना पकाईदा, यहाँ ही सारा काम करीदा है। ज़्यादा सर्दी आ जाए तो इटा उठा के अंदर कर ले दी, अंदर आगा बाल ले दी। तो जब ज़्यादा सर्दी होती होगी तो बच्चों को जाहिर सी बात है वो तो बीमार भी होते होंगे, तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। हाँ जी, फिर सामना तो मिर्गे तीगे करना पैंदा, बच्चों भी तो फिर कुंजना आना। यहाँ पे और कितने लोग हैं, वो भी सारे इसी तरह? इसी तरह रह रहे हैं। आपके खामिद कुछ नहीं करते? नहीं, मेरा खामिद ही बीमार है, देखो पीछे पड़ा आपके। अच्छा, आपका दिल तो करता होगा ना कि आपके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छी तालीम और तरबियत मिले उनको? जी बेटा, दिल तो करता है, जो घर च कोई नज़र नहीं ना आता कमाने वाला मिर्गे तीगे, तो उदो फिर मैं बच्चों कितों पढ़ावा। मेरा दिल करता, मैं तुहानू पहले भी बताया ना कि मेरे भी बच्चे पढ़न, वड्डे अफसर बनन, असी झुग्गियां च ना रुलीए, असी भी किसी अच्छी जी कोठी च बैठे होइए, सानू भी वेख के कहे कि अफसर माँ दे बच्चे को अफसर ही आ रहे हैं। तो बेटा जो घर दे विच कुछ खाने के लिए नहीं तो बच्चे मैं कैसे पढ़ाऊँगी? आपका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है इस दौर में, तो जाहिर सी बात है बच्चे बीमार भी होते होंगे, तो फिर किस तरह अखराजात और दवाइयां वगैरह किस तरह आप सरवाइव करते हैं? इस तरह ही वाइव करते हैं कि तेरे अर्गी धी की मिन्नत कर ली, मंग लिया, जाके पिन लिया, किसी ने 100 रुपया दे दिता
ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੋ ਲਿਆਈ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਡੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈ ਦੀਆਂ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। अच्छा तो कॉरपोरेशन वाले अगर आपको यहाँ से उठा देते हैं फिर आप किधर जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? इतों धीए उठने तो परले कोने तो चले जाने, जो परले तंग करते हैं तो इधर के कोने तो चले जाने, रहने असी लाहौर के बीच बीच ही। लेकिन इस तरह भी तो लोग कहते हैं ना कि जो लोग झुग्गियों में रहते हैं उनको आदत मतलब होती है, वो अगर चाहें तो बच्चों को अच्छी तलीम तरबियत और काम करके जॉब करके तो वो कर सकते हैं, लेकिन क्या इसमें ये वाकई इसी तरह बात है कि अगर मतलब आप काम करते हैं, आपके शोहर काम करते हैं, बच्चों को मांगने के बजाय गवर्नमेंट स्कूल्स में डालते हैं या किसी काम पर लगाते हैं तो उस तरह भी तो गुजर बसर हो सकता है या नहीं? हो सकता है बेटा, जो मेरा शोहर भी सही हो तो मेरा मियाँ काम करे। आपके शोहर चल फिर नहीं सकते? नहीं बेटा, वो इन्ना चल फिर नहीं सकता, उनकी तो कोई बेटा समझ ही नहीं लग रही, मेरे को तो दवाइया जोगे पैसे नहीं पूरे हो रहे तो मैं बच्चे कितों पढ़ाने। लोग इमदाद देते हैं आपको? इमदाद कोई झिड़का मार देता, कोई दस भी पुत्र दे देता है, झिड़का खा के घर आ जाइए मेरे गे धीए। तो सर्दियों में इतनी मुश्किल से, जारी सी बात है, अब एक ये पतली सी चादर ऊपर आपने डाली हुई, तो गर्मियों में भी बड़ा मुश्किल होता होगा, तो गर्मियों में किस तरह आप सरवाइव करते हैं? गर्मियों में भी इस तरह ही गुजारा करना जिसमें सर्दियों में करी, वो तो सूरज की इतनी तपिश होती है डायरेक्ट, तो किस तरह फिर वो मैनेज किस तरह करते हैं? जिमें सियाल च असी गुजारा कर लेदा, इवें गर्मी च कर लेदा, जिधरों धुप पैंदी उधर असी छां कर लेदी, जिधर छां हो जाती उधर पुत्रा बह जाइदा। अच्छा आप कोई पैगाम देना चाहती हैं आवाम को? पैगाम आवाम को यह है कि साड़ी मदद करो, सानू खाने लिए कुछ दवो, को राशन दवो, को उत्ते लिए कपड़े दवो, को बच्चों लिए दवो, तो असी बेटा सारी जिंदगी दुआवां देंगे। और गवर्नमेंट से कोई अपील या कोई पैगाम गवर्नमेंट को देना चाहते हैं? गवर्नमेंट वाले अगे भी साड़ी यही अपील है कि गवर्नमेंट वाले साढ़े वाल ध्यान रखन, असी भी को अपने बच्चों पढ़ाइए लिखाइए, साड़ी को हेल्प करता वे तो ठीक है, नहीं तो पुत्रा फिर जिमें असी पिन के गुजारा कर रहे हैं भी पिन के गुजारा कर। जी नाजरीन, ये भी ज़िंदगी का एक पहलू है जहाँ पे कुछ लोग बड़ी ऐशोशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आसाइशात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी तलीम तरबियत दे रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ ये लोग हैं जिनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो गवर्नमेंट से भी अपील है कि इन लोगों के बारे में इन लोगों का सोचें, ये गरीब इनकी इमदाद किया करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।